पिछले 4.5 साल में हिसार ने जिस रफ्तार से तरक्की की है वो अपने आप में एक मिसाल है। जिन विकास कार्यों को करवाने के लिए किसी को भी दशकों लग जाते, माननीय विधायक कमल कुमार गुप्ता ने महज 4.5 साल में कर दिखाए। यह शहर अब देश की पहचान बनने वाला है। सबसे पहले तो बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ इंटरनेशनल हवाई अड्डे की स्थापना हुई, जो कि हरियाणा में पहला है। और आपको ये मैं बता दूं कि ये पूरे देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा आने वाले समय में। 7300 एकड़ में बनाया जाने वाला हिसार का इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का पहला MRO यानी विमानों के मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉलिंग की सुविधा वाला एयरपोर्ट होगा। रेल सफर को बेहतर बनाने के लिए पिछले 4.5 साल में हिसार के रेलवे स्टेशन की हालत में सुधार के साथ लंबी दूरी की ट्रेन के लिए वॉशिंग यार्ड की शुरुआत हुई है। हिसार अब दिल्ली की ट्रेनों से सीधा जोड़ दिया गया है। इसकी कनेक्टिविटी वाया भिवानी दिल्ली से थी। दिल्ली से कोई ट्रेन चलती थी वो रोहतक से होकर भिवानी में जाती थी, भिवानी में खड़ी होती थी, इंजन कटता था, पीछे लगता था और फिर वो ट्रेन हिसार में आती थी। आज हमने रोहतक को वाया महम हांसी से जोड़कर हिसार की सीधी कनेक्टिविटी का द्वार खोल दिया है। तेजी से बढ़ते शहरों की समस्या है बुनियादी सुविधाओं में कमी। कमल गुप्ता ने हिसार में बुनियादी सुविधाओं में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमारे यहाँ 3.5 लाख की आबादी को लगभग 100 लीटर पानी हम प्रति व्यक्ति दे पाते थे, जबकि एक व्यक्ति की जो रिक्वायरमेंट है वो 135 लीटर की है। यह स्काडा का वाटर वर्क्स है। इसका शिलान्यास और उद्घाटन विधायक कमल कुमार गुप्ता के कार्यकाल में ही हुआ है, जिससे आज पूरे हिसार को प्रति व्यक्ति 135 लीटर पानी मिल रहा है। पिछले 3 साल में हिसार में हुए विकास कार्यों की सूची बहुत लंबी है। 54 करोड़ रुपए की लागत से बने ऋषि नगर के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ने प्रदूषित पानी के ट्रीटमेंट का काम शुरू कर दिया है। 40 MLD का यह प्लांट फसलों को मलमूत्र के पानी से बचा रहा है। महावीर कॉलोनी के वाटर वर्क से निकलने वाला 7 किलोमीटर लंबा गंदे पानी का नाला ढक दिया गया है। विकास का पहिया ट्रैफिक जाम से न रुके, इसके लिए डाबर चौक रेलवे पुल को दोहरा कर दिया गया। वहीं जरूरत के मुताबिक नए फ्लाईओवर भी बनाए जा रहे हैं। पटेल नगर में RUB उसके 2.5 करोड़ रुपए भी सैंक्शन किए, वो भी शुरू हो चुका है बनना। इसके अलावा सेक्टर 16-17 में एक फ्लाईओवर बनने का काम भी टेंडर हो चुका, वर्क अलॉट हो चुका और वहाँ वर्क शुरू हो चुका। यानी कि इस शहर में इस वक्त 3-3 फ्लाईओवर बन रहे हैं। यह विधायक कमल गुप्ता की हिम्मत ही है कि 1.5 एकड़ में चलने वाली सब्जी मंडी को उसकी 15 साल पहले आवंटित 50 एकड़ जमीन पर शिफ्ट कर दिया गया है। पुरानी सब्जी मंडी में कोई भी सुविधा नहीं थी, लेकिन नई सब्जी मंडी में हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। जब पुरानी मंडी थी ना, वहाँ बरसात के 21 दिनों में पानी बच जाता था और बहुत बुरा लगता था। यहाँ शेड लगा दिया बढ़िया, ना पार्किंग की कोई समस्या है, ना बरसात की समस्या है, ना कीचड़ की, ना जाम की, बढ़िया काम चल रहा है। यहाँ आके सब संतुष्ट है, खुश है सारे। अब सब्जी मंडी चौक से निकलने वाली 5 सड़कों को 4 लेन कर दिया गया है। शहर की ज्यादातर सड़कों को गड्ढों से मुक्त कर दिया गया है। बरवाला चुंगी से पड़ाव चौक, पड़ाव चौक से लाहौरिया चौक, लाहौरिया चौक से DCM और DCM से एयरपोर्ट, पूरा ये जो सेक्शन है सी शेप सेक्शन, इसको 4 लेन बनाकर और इसकी 60% जो सड़क है उसको हमने CC की सड़क बनाकर उस मिलगेट एरिए का बहुत ही नवीनीकरण किया हमने। हम यहाँ पर जो ये 13 किलोमीटर की सड़क है सिरसा बाईपास से लेकर और पृथ्वीराज चौहान तक, ये 28 करोड़ के प्रोजेक्ट से ये पूरी रोड नई बन रही है, पूरा डिवाइडर, पूरे बिजली के खंभे, ये सब रेनोवेशन हो जाएगी। बरसों से उपेक्षा की शिकार रही ऑटो मार्केट की सभी दुकानों के फड़ और सूर्य नगर की सभी गलियों को पक्का कर दिया गया है। 50 साल से कच्ची पड़ी फ्लेमिंगो मार्केट काठमंडी 1200 सीजन की पार्किंग में इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने का काम भी पिछले 3 साल में ही हुआ है। ऑटो मार्केट के काम से मैं संतुष्ट हूँ, ठीक है। और टॉयलेट वगैरह, रोड वगैरह सारा बढ़िया बन गया है।
बारिश के टाइम में हमारे को कोई असुविधा नहीं होती। पहले बारिश आती थी, पानी भरता था, अब पानी नहीं भरता। हमने अनेक जगह बिजली के नए खंभे लगाकर और अनेक पार्क, लगभग 85 से ऊपर के पार्कों में हमने धौलपुर का पत्थर लगाकर उनका सौंदर्यकरण किया है। अनेक पार्कों में हम जिम की व्यवस्था दे रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हिसार सबसे आगे हो, विधायक कमल गुप्ता की यही कोशिश रही है। 1125 एकड़ में बना लाला लाजपत राय कृषि एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का नया परिसर तैयार है। सड़कों पर घूमते लावारिस पशुओं को गो अभयारण्य की योजना के तहत आसरा दिए जाने की योजना है। इसके लिए 10 करोड़ रुपए आवंटित कर काम शुरू कर दिया गया है। 10 करोड़ से हम 25 एकड़ पर गऊओं के शेड, चार दीवारी और जो उनके खाने के लिए चारा, उसको उपजाने का और जो वहाँ पर बेसहारा पशु को रखने का हमने ये बहुत ही अनूठा प्रयास किया है। सदरण बाईपास, जिसकी लंबाई 18 किलोमीटर है, का कार्य पिछले कई वर्षों से ठप पड़ा था। माननीय विधायक कमल गुप्ता की मेहनत से कार्य पूरा कर चालू कर दिया गया है। 2014 के चुनाव में हिसार की जनता ने माननीय विधायक कमल गुप्ता को जिस उम्मीद से विधायक चुना था, उस पर वो खरे उतरे हैं। माननीय विधायक के कमान संभालने के बाद हिसार में आए बदलाव इसका प्रमाण है। उन्हें अगर सबसे लोकप्रिय विधायक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आज माननीय विधायक कमल गुप्ता के नेतृत्व में हिसार विकास की ऊंची उड़ान भरने को तैयार है।